बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शकीलुर्रहमान और आप देख रहे हैं ज़ैनी टीवी। गर्मियों की आमद के साथ ही हमारे यहाँ बिजली की फरहमी में कमी और बिलों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। इसी बिना पर लोग बिजली इस्तेमाल करने में बहुत ही ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। गैर ज़रूरी लाइट हो या स्टैंड बाय पर चलने वाले बर्फी आलात सब बंद कर दिए जाते हैं। ज़्यादा बिजली खाने वाले मसलन एसी, इस्त्री, फ्रिज वगैरह के इस्तेमाल से भी बहुत एहतियात की जाती है। इस रवैये की वजह से जाहिर है जितनी एहतियात उतना ही बिल कम आता है। एहतियात का ये रवैया एक फितरी रवैया है। यही रवैया इंसान का पूरी ज़िंदगी के बारे में हो जाता है जब उसे ये एहसास हो जाए कि बिजली के बिल की तरह ज़िंदगी का बिल भी उसे एक रोज़ देना होगा। ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अता है। इसका हर हर लम्हा और हर हर नेमत अगर किसी ने दी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रब्बे करीम की ज़ात मुबारक है। वो इस बात का पूरा हक भी रखता है कि ये ज़िंदगी, ये लम्हात, ये ज़िंदगी की हर नेमत का हिसाब ले। इसमें कोई शक नहीं कि एक रोज़ वो इस ज़िंदगी का भी हिसाब लेगा। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह बिजली का महकमा हर माह बिजली का बिल वसूल कर लेता है। अलबत्ता बिजली वालों के बरक्स अल्लाह के हिसाब का तरीक़ा बड़ी फयाजी और करम वाला है। वो बिजली की कीमत की तरह ज़िंदगी और इसकी नेमतों की कीमत नहीं लेता। वो सिर्फ ये चाहता है कि नाफरमानी के कामों में नेमतों को इस्तेमाल ना किया जाए। होना तो ये चाहिए कि इस बात के वाजे हो जाने के बाद लोग एक मोहतात ज़िंदगी गुजारें। वो हर लम्हा और हर पैसा ये सोच कर इस्तेमाल करें कि इसमें रब की नाफरमानी ना हो। मगर अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। इसकी वजह सिर्फ ये है कि बिजली का बिल हर माह आता है और ज़िंदगी का बिल सिर्फ एक दफ़ा मौत के बाद ही मिलेगा। अल्लाह के हिसाब का यही वो पहलू है जो इंसान को गफलत में डाले हुए है। खुशनसीब हैं वो लोग और ज़िंदगी के बिल की तैयारी ज़िंदगी में ही कर लें। अल्लाह ताला हमें अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।